दोस्तों अभी हम ये टी शर्ट है इसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा प्रिंट करने के बाद इसका क्या एक प्रोसीजर होता है। एक दो तीन चार, तो चार बार हमने कर दिया है। आप जितना डार्क कलर करना चाहते हैं या जितना कलर इसमें छोड़ना चाहते हैं उसकी उतनी बार आप इसको स्क्वीजी इस पर घुमा सकते हैं। बट समझिए ये चार बार है, ये काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में भी कलर बहुत अच्छी तरीके टी शर्ट के ऊपर चला जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। एक और हम करके देखेंगे। ये टी शर्ट दोस्तों ये 180 GSM का टी शर्ट है, ये बायो वॉश टी शर्ट है। ज़्यादा करके मार्केट में यही क्वालिटी के टी शर्ट्स चलते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये मेरे फ्रेंड हैं, ये इंस्टाग्राम पे टी शर्ट है अपना सेल करते हैं। इसके ऊपर के सारे जो भी रिंकल्स हैं उसे निकाल लीजिए। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये अपना जो गला है ये आपका सेंटर में आना चाहिए, ये सेंटर में आना चाहिए, तभी आपका जो इमेज है वो बराबर सेंटर में, टी शर्ट के सेंटर में बैठेगा। पहले स्प्रेड करना है हमें, उसके बाद हमें कलर निकाल लेना है, फिर हमें स्प्रेड करना है और फिर हमें कलर वापस निकाल लेना है। इतना काफ़ी होता है दोस्तों। जो कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से टी शर्ट के ऊपर चला जाता है। आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा परफेक्ट कलर इसमें बैठ चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसको हीट प्रेस कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और डिफरेंस बताऊंगा आपको कि जो हीट प्रेस होता है वो अगर आप उसको हीट प्रेस या ब्लोअर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, अरे ये देखिए दोस्तों, ये मैंने, ये हमारा पूरा बंच है जो हमने बनाया है। आप देख सकते हैं अभी हम इसे हीट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। हीट प्रेस दोस्तों हमने चालू कर दिया है, देखिए अब उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको हम 170 तक लेके जाएंगे, 160 से 170 तक, ठीक है। और जो हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 15 सेकंड का। तब टी शर्ट भी हमने प्लेस कर दिया है, उसके बाद देखिएगा आप इसकी फिनिशिंग कैसे आती है, कुछ आपको डिफरेंस दिखता है या नहीं दिखता है। एक बार ये हीट प्रेस हो जाता है उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अगर आप इस पर हीट प्रेस या ब्लोअर जो है हेयर ड्रायर रहता है, कम से कम आपको अगर आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम वो 2000 वॉट का होना चाहिए, तभी वो जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं देते हैं दोस्तों तो आपका एक से दो वॉश में ये कलर निकल जाएगा दोस्तों, आप कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए टेम्परेचर लगभग 170 हो चुका है, अभी हमें इसे हीट प्रेस देना है। इसके पहले तो इसको चालू करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर हम देख रहे हैं, मैं बीप नहीं होने देता हूं दोस्तों, उसके पहले उठा लेता हूं। आप देखिए अब आप देख सकते हैं इसका ग्लो कैसे कर रहा है दोस्तों, ये
एकदम परफेक्ट कलर है, पूरा एकदम फैब्रिक के अंदर जा चुका है। शाइन देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त तरीके से चमक रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो हमने टी शर्ट अभी प्रिंट किया है और उसके बाद हीट मशीन से इसे हीट ट्रीटमेंट दिया है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और ये कैसे ग्लो कर रहा है। हीट प्रेस करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत लोगों की कंप्लेंट्स भी आएंगी कि वॉशिंग करने के बाद वो टी शर्ट है उसका कलर निकल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।